हैप्पीनेस हर को चाहिए, और आज जो स्टूडेंट है उसके लिए हैप्पीनेस में तीन चार चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एजुकेशन जो वो अपने लिए कैरियर लेके चलता है, उसमें पेरेंट्स को फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, इसलिए इस कार्ड को सबसे पहले स्टूडेंट के बेनिफिट के हिसाब से तैयार किया गया है। सबसे पहले बच्चों के लिए जो उसकी अपनी कहीं पर पढ़ाई कर रहा हो, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी कोचिंग में, किसी इंस्टीट्यूट में, कहीं भी पढ़ाई कर रहा हो, तो उसको हमने फीस पे लोन दिया है। लोन भी कैसा, जीरो इंटरेस्ट, जिसमें हमारा उसमें लो कॉस्ट ईएमआई में उसकी फीस को डिवाइड करेंगे। और हमारा इसका सबसे बड़ा यही है कि हमको इसमें बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहता है उसके पेरेंट्स को लगे वहाँ भी उस घर में सपने का साकार होना बिल्कुल संभव है। और दूसरा इसमें है जहाँ बच्चा रहेगा हॉस्टल लोन, वो भी रखा है। अब बच्चा पढ़ाई के बाद अपने लिए इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है, मेडिकल कॉलेज जा रहा है, वहाँ भी चार साल की पढ़ाई है। तो ये जो कार्ड, ये नॉर्मली आप जानते हैं कार्ड जो होते हैं बिल्कुल वीज़ा की तरह कार्ड है, एक एटीएम कार्ड की तरह है, और इसमें बच्चे के लिए 5 साल तक ये वैलिड है। तो आराम से वहाँ जाके भी इसको सब मिलेगी फैसिलिटी जो इस समय किसी स्कूल में कॉलेज में यहाँ से स्टार्ट करता है। इसमें बच्चे के लिए कहीं भी वो गया बाहर, मेडिकल क्लेम 25,000 बच्चों को मिल सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस कभी भी मिसहैपनिंग होगी उसके या उसके पेरेंट्स के किसी के भी, तो वो, और इसमें कभी भी अगर घर में किसी की जो उसके संरक्षक हैं पेरेंट्स से अगर उनको कुछ हो जाता है तो लोन का पैसा कभी बच्चे से किसी भी तरह की बात नहीं की जाएगी। लोन के लिए कभी बच्चे को फ़ोन या कोई कांटेक्ट नहीं किया जाएगा, जो भी है वो पेरेंट्स के साथ होगा। उसमें एक एक महीने के हिसाब से जो एक लो कॉस्ट के हिसाब से ईएमआई होती है वो ईएमआई बनाई जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट 0%। ये सबसे बड़ी खासियत है इसके अंदर। बाकी जो आज बच्चे चाहते हैं कि हर चीज़ डोर स्टेप पर आ जाए, घर घर के अंदर मालूम है आजकल बच्चे बाहर नहीं जाते, वैसे भी इतना ट्रैफिक है, कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है, और टॉप लेवल के ब्रांड से उनको हर चीज़ मिल जाती है। तो इसके थ्रू हमारे लिए सभी तरह के टॉप लेवल के जो ब्रांड्स हैं वो इससे जुड़े हुए, वो कोई सा भी सेक्शन हो, वो लाइफ स्टाइल हो, वो फर्नीचर हो, वो डेली रूटीन की कोई भी आइटम्स हो, वो एजुकेशन के हिसाब से कोई बुक्स हो, या उसके लिए एंटरटेनमेंट के हिसाब से कोई भी हो, भले वो आपका इसमें बुक माई शो हो या PVR हो, या उसके लिए कोई भी मॉल हो, या कोई भी इसके लिए कह दीजिए टिकट बुकिंग के साथ ट्रांसपोर्ट हो, आजकल जितने भी ओला उबर ये सब इससे जुड़े हैं। आपके टॉप लेवल के जो हैं अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मतलब आप जो बोलें वो इससे जुड़ा हुआ है। हमारा प्रयास है वन स्टॉप सॉल्यूशन, इसके आगे कोई कल्पना भी करे तो जो कल्पना वो हकीकत में इसमें दिख जाए, ये प्रयास के इसको पूरे 1 साल के अंदर बनाया गया। सर दूसरी बात है कि ये कार्ड सेफ्टी किस तरह है, मतलब कहीं किसी से मतलब घूम गया वो सब तरह की पूरी हर तरह की सिक्योरिटी इसके अंदर है। सबसे पहली बात तो वो जो OTP का तरीका होता है वो है। दूसरा इसमें हमारे लिए जो जिसको हमें कार्ड दे रहे हैं, क्योंकि हमको इस कार्ड के थ्रू कभी भी इसका मिसयूज नहीं, आजकल हर चीज़ की जो भी चीज़ कुछ भी आप इन्वेंट करो उसका दूसरा पक्ष मिसयूज ज़्यादा हो जाता है, तो हमने इसके लिए उन बातों का विशेष ध्यान रखा है। इसमें हमने स्पेशली जो कह दीजिए गर्ल्स हैं उनकी सिक्योरिटी के हिसाब से भी रखा है। हम इसके अंदर वास्तव में इनडायरेक्टली एक ट्रेसिंग भी रखेंगे, GPR से कनेक्ट होगा कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या है, तो पेरेंट्स को मालूम पड़ता है। तो हमारा इसके अंदर बच्चों की हर तरह की उनकी वाले हेल्थ वाली बात हो, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, या उनकी सिक्योरिटी हो, उनका एक पूरा ज़िंदगी के अंदर कोई थर्ड इनको वॉच कर रहा है, जो अनुशासन से उनको एक भाई बहन होना प्रीत उस हिसाब से उनकी केयरिंग करें, ये हमारा प्रयास है। सब दूसरी बात यह है कि जो मोदी साहब ने भी एक कार्ड का लॉन्च किया था, अभी बात आपकी बात रोक रहा हूँ जो आप कह रहे हो, ये हैप्पीनेस वर्ड लाए इसलिए हैं। मुझे अभी तक 2018 के अंदर अप्रैल में जब 156 कंट्रीज़ का एक वर्ल्ड लेवल प्लेटफॉर्म पे इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस को कंपेयर किया गया था, तो उसमें 156 कंट्रीज़ में इंडिया की पोजीशन 123 थी। बड़ी दयनीय बात है, बड़ी अपने लिए एक शर्म वाली बात, सोचने वाली बात। और इसमें भी देखिए ज़्यादा दयनीय स्थिति क्या थी, हमारा जो इंडिया का मैप है उससे जो निकले हमारे हिस्से हैं, भले वो हमारे लिए श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, यहाँ तक कि पाकिस्तान हो, बर्मा हो, वो भी हमारे इंडेक्स हैप्पीनेस में इंडिया से ऊपर थे। और अभी इस बार स्थिति और ख़राब है, लास्ट टाइम 120 थी, अभी 140 है। छोटा सा कंट्री भूटान नंबर 1 पर है। तो उसी सोच को रखे हुए आने वाला ये देश के लिए एक युद्ध जो है, ये आने वाले देश की तस्वीर है। अगर हमने इनको ध्यान रखा और इनकी सोच को इस तरह से कन्वर्ट कर दिया तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हर जगह इसको हमने स्टार्ट पहले कोटा से किया, तो कोटा मिनी इंडिया, एक लघु भारत है, वहाँ हर कोने से देश के वहाँ से बच्चे आए हुए। तो जब वो वहाँ से जाएंगे, लास्ट इसको हमने कोटा में किया था, उस समय गोविंदा जी आए थे 12 जुलाई 2018 को, उनके हाथों से इसका हमने एक तरह से इनॉग्रेशन कराया था, लेकिन उस समय कार्ड सिंपल कार्ड था, वहाँ सिंपल वहाँ के लोकल वेंडर्स को जोड़ा था।
और बच्चों से हमने फीडबैक लिया, तो मालूम पड़ा बच्चों को अच्छा लगता है कि कोई भी चीज़ ली हल्का सा कुछ कैशबैक हो गया, कोई वाउचर मिल गया, और उनको मालूम पड़ा हल्का सा हमारे पास कोई और चीज़ भी हम इसके साथ कर सकते हैं। उन चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक एक बच्चे ने कोटा के अंदर लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये सेव किए, एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ को देखते हुए हमने इस बार सारे तरह के ऑनलाइन ब्रांड्स, क्योंकि आपकी ये एक तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर हर बच्चा ऑनलाइन पे जाता है, ऑनलाइन के सारे इसमें टॉप लेवल के ब्रांड्स जोड़ रखे हैं, और बाकी मेन फीचर्स जो हैं वो बच्चों के लिए इसमें उनकी हेल्थ इंश्योरेंस है, उनका मेडिकल क्लेम है, उनके लिए कॉलेज कोचिंग कहीं भी इंस्टीट्यूट के हिसाब से पढ़ाई का स्टडी लोन है या उनके लिए हॉस्टल लोन है, ये सब तरह की बात है। हाय, मेरा नाम संदीप लोखंडे है, ऑल इंडिया रेडियो के 107.1 FM पर आरजे हूँ और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। आज का जो इवेंट है हैप्पीनेस, जितना मुझे सर से पता है, इट्स अ ब्यूटीफुल ऐप, बहुत सारे ऑफर्स हैं, डिटेल में जानकारी तो मेरे ख्याल से सर और बाकी के रिक्वायर्ड पर्सन ज़रूर देंगे, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए ध्यान में रखकर कुछ चीज़ें बनाई गई हैं। देर आर मेनी ऑफर्स एंड मेनी थिंग्स विच कैन बी बेनिफिटेड टू स्टूडेंट्स, सो आई एम श्योर जहाँ आज की तारीख में एक फोकस ये है कि बहुत सारा प्रेशर रहता है आप पे एजुकेशन लेवल पे, आप देखें तो इस प्रेशर को थोड़ा ईज आउट करके, टेक्नोलॉजी तो आगे है तो उसके बेनिफिट के साथ साथ हाउ कैन वी मर्ज अ हैप्पीनेस विद इट, दैट इज़ व्हाट द होल पॉइंट इज ऑल अबाउट। बच्चे के बारे में जो आजकल पढ़ाई इतनी महंगी हो सकती है, तो कार्ड कितना बच्चे को और अपनी फैमिली में यूज होगा कि कितना बेनिफिट होगा? आसान शब्दों में जो मुझे समझ रहा है, आई एम जस्ट आंसरिंग दैट, ओके, जो आपका सवाल है, देखिए एजुकेशन महंगा है ये हम सभी जानते हैं, बट नेचुरल महंगा होकर भी हमें तो वो लेना है। अब उसे लेने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से, अपने अपने हिसाब से हमें जो भी डिफ़िकल्टीज लेवल है उसको तो पार करना है, वहाँ पर भी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आज एक चीज़ जो आप सभी सहमत होंगे इससे, वो ये है कि आज जो भी लोग हैं वो ऑनलाइन ज़्यादातर रहते हैं, स्पेशली द स्टूडेंट्स, स्पेशली द कॉलेज मेट्स हैं वो, तो ऑनलाइन रहकर जब वो बाकी चीज़ें देख रहे हैं तो क्यों ना वो अपने हैप्पीनेस कार्ड के जरिए अगर उन्हें थोड़ी खुशी मिलती है तो व्हाई नॉट, आई थिंक दैट मेक्स देम हैप्पी, एनीथिंग व्हिच मेक्स यू हैप्पी शुड बी हैप्पी। सर आपसे जानना चाहेंगे कितना ये गवर्नमेंट से कोई प्रोत्साहित है या किस तरह से जुड़ी हुई कि उनको अप्रूवल दिया है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे इलीगल भी होते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे एप्लीकेशन हो या डेटा किसी को होता है। इसमें क्या प्राइवेट सेक्टर का बैंक जुड़ा, ICICI बैंक जो बहुत पुराना बैंक है, पूरी जिम्मेदारी इसमें बैंक की है और बैंक पूरा RBI से गवर्न होकर चलता है और RBI से ऊपर कोई रूल होते हैं, तो अभी इसलिए बिल्कुल इसमें निश्चिंत रहना है, इसमें पूरा सिक्योर है कार्ड, जो भी बच्चा है जो भी इसके पेरेंट्स हैं उनके साथ कोई बात ऐसी चोट की हुई नहीं सकती। कितना यूज है अभी बताएं? अभी इसको बस ऐप को चालू ही किया हमने, नवरात्रा के अंदर इसकी शुरुआत करी थी, आज इस कार्ड को एक्टिव करने के हिसाब से आराम से हम इसको अपने जितने भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे कोई भी बच्चे की कहीं भी जो जितनी फैसिलिटी बोली हर चीज़ सब में आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली मिल जाएगी। थैंक यू। एक जाने से पहले एक छोटी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हैप्पीनेस ऐप के बारे में बाकी सारी डिटेल्स सर मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बट बीइंग एन आर्टिस्ट एक चीज़ बिल्कुल पक्की है जो मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी की असली खुशी ये नहीं है कि आप कितने खुश हैं, ज़िंदगी की असली खुशी ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, ज़िंदगी की असली खुशी तो ये है कि आपकी वजह से दूसरे कितने खुश हैं। तो ये कोशिश की जा रही है कि सारे लोग मिलकर लोगों के चेहरे पर एक स्माइल लाएं, मुस्कुराहट लाएं, एंड लेट्स एवरीवन बी हैप्पी। थैंक यू। स्प्रेड हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस कार्ड वाला आइडिया कैसा लगा इसके बारे में? मुझे बेहद खूबसूरत लगा और मैं सर से बात कर रहा था अभी, तो उन्होंने बताया मुझे कि इसके पीछे कोई प्रॉफिट मेकिंग ऐसा नहीं है, टू प्योरली टू हेल्प स्टूडेंट्स, बल्कि अपनी जेब से पैसा लगा के कर रहे हैं लोग, ऑफ कोर्स इट्स अ गिविंग बैक टू द सोसाइटी आल्सो एंड स्टूडेंट्स स्पेशली, उनको बहुत ज़रूरत होती है इस टाइम पे सपोर्ट की, तो ये इसको अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और मोटिवेट होते हैं, और जब भी उनको ज़रूरत होती है कुछ फंड्स की, कुछ हेल्प की, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसको पढ़ने में आधी शिफ्ट लग जाती है, सो काफ़ी हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए, वेरी हैप्पी स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स ऑफ कोर्स, सो बिकॉज पेरेंट्स के साथ ही होते हैं स्टूडेंट्स। स्टेज पर बड़े खुशी से बात करते नजर आ रहे थे आप जी, से तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या बात कर रहे थे आप? मैं उनसे पूछ रहा था कि तुम्हें एग्जाम से पहले नर्वसनेस होती है और तुम कितनी देर पढ़ते हो, और पढ़ते हुए कभी कभी ऐसा होता कि नहीं समझ में आता है या समझ में आता है, तो आई वाज ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम हिम कि टॉपर है भाई और इतना ज़्यादा टॉप
टॉपर, मतलब ऑल इंडिया टॉपर है, तो मेरे लिए उनसे कुछ सीखना, कुछ आई वाज ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम हिम. तो उन्होंने कहा एग्ज़ाम के दौरान मुझे नर्वसनेस नहीं होती, मैं काम होता हूँ क्योंकि मैं इतना पढ़ चुका हूँ, इतनी मेहनत कर चुका हूँ. सो मेरे लिए भी लर्निंग है कि आप काम करते रहें, तैयारी करते रहें, और तो आप एग्ज़ाम में नर्वस नहीं होंगे और कूल माइंड से आप लिखते चले जाएंगे. अभी भी आपने देखा स्टेज पे ही वाज सो काम एंड इन कंट्रोल, इतना चीयर कर रहे थे सब स्टूडेंट्स, नहीं तो कोई भी नर्वस हो जाए इतने लोगों के सामने, बट ही वाज वेरी काम क्वाइट. सो आई थिंक वो एक जनरल पर्सनैलिटी का भी हिस्सा बन जाता है. ऑफ कोर्स वो एजुकेशन आती है टीचर्स से, पेरेंट्स से, फैमिली से, बहुत कई लोगों का उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. सो आई कंग्रेचुलेट हिम एंड बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डूइंग सो वेल. इट्स द थीम फॉर माई लाइफ ओनली, वन हैज़ टू बी हैप्पी. एंड हैप्पीनेस की कई तरीके से हैप्पीनेस मिलती है आपको, पर वो मैं फिलोसफी में चला जाऊँगा. हंसते खेलते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, और इन जब आपको ज़रूरत हो तो किसी और को जरूरत हो तो आपको आगे बढ़ के उसकी हेल्प करना चाहिए. दिस इज व्हाट आई थिंक हैप्पीनेस फॉर मी. सर आपके टाइम पे ऐसे कुछ कार्ड नहीं थे, डेबिट कार्ड ऐसे कार्ड नहीं, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन अभी बच्चे को जो मिल रहा है तो पैसा मतलब किस तरह खर्चा करेंगे, किस तरह यूज होगा, और कुछ मैसेज देना. मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है, मेरे को तो मजा ही आ रहा है. सो ऑफ कोर्स बच्चे की हेल्प होती, जैसे मैंने कहा कि इतने सारे बेनिफिट्स हैं, हॉस्टल भी ले सकते हैं वो, चाहे एकोमोडेशन की प्रॉब्लम हो या शॉपिंग में. अब क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में बहुत कम आपके पास बजट होता है, उस बजट में आपको चलना है. तो मोस्टली तो ये कार्ड जो है ऑफ कोर्स उसकी हेल्प करता है आपको, और कैशबैक मिलते हैं, डिस्काउंट्स मिलते हैं, ऑफर्स मिलते हैं. और सबसे बड़ी बात जो मुझे अहमियत लगी इस कार्ड की, वो है कि आपकी एजुकेशन में जो आपको 0% इंटरेस्ट पर लोन मिलता है और आप इंश्योरेंस आपका कवर होता है, तो वो बहुत अच्छी बात है. ओके, सो भारत के बाद ऑब्वियसली आपके फैंस चाहते हैं आपको दोबारा देखना बड़े पर्दे पर. कुछ बताना चाहेंगे कि अब किस चीज की तैयारी चालू है? एक दो प्रोजेक्ट है जो अभी शुरू हो चुके हैं, तो मैं जल्दी आपसे शेयर करूंगा. जी थैंक यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. मैंने इसी चक्कर में दाढ़ी भी रखी हुई है. मतलब हम तो कह सकते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के नए लुक की तैयारी. बड़े टाइम से मैंने साड़ी नहीं पहनी है, तो मैं साड़ी पहनते हुए मिस करता हूं. तो हाँ जी, किसी और प्रोजेक्ट के लिए आई विल शेयर विद यू. थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड स्टे हैप्पी एंड स्प्रेड द हैप्पीनेस. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. कितना एंजॉय किया आज इन एलन के बच्चों के बीच. बहुत ज्यादा यार, आई थिंक जो स्टूडेंट्स का प्यार होता है, जो बच्चों का प्यार होता है, इट इज जस्ट सो ब्यूटीफुल एंड सो प्योर. एंड बहुत एक्साइटमेंट थी. एंड एज एन एक्टर यू नो आप कोशिश करते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, और यही जो आपकी ऑडियंस है वो जिस तरह से इस तरह से अगर रिएक्ट करे, सो इट जस्ट फील्स रियली रियली गुड एंड फील्स रियली रियली वेरी नाइस. आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू एवरी वन फॉर शेयरिंग सो मच ऑफ लव. एंड बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर, जब भी किसी भी स्टूडेंट्स में, जब भी क्राउड में आप जाते हैं, इवेंट्स में आप जाते हो, बहुत अच्छा जब प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरी वन. ओके, सो आज हैप्पीनेस कार्ड का जो है वो लॉन्च किया गया है, बहुत ही न्यू और बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है. आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको ये? आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है. एंड आई थिंक जिस तरह से पूरा उन्होंने प्रोग्राम करा है बहुत अच्छा है. एंड लाइक एज सर वाज आल्सो mentioning and that you know it is about spreading happiness and the quotient of spreading happiness in whichever means. And I'm myself a very true believer of spreading happiness. Like I try and do my bit through my films, through the characters that I play, through spreading smiles and making people laugh. So that is my way. And I think ki khush rehna sabse zyada zaruri hota hai, मेरे को ऐसा लगता है हर चीज़ में. मतलब मैं उस तरह का इंसान हूँ कि मैं हर चीज़ में खुशी ढूंढता हूँ. जब चीज़ें सही नहीं भी जा रही होती उसमें भी कुछ ना कुछ खुशी तो होगी. ऐसा हो नहीं सकता कि कभी भी किसी चीज़ में आप खुशी ना ढूंढ पाएँ. सो आई एम लाइक वन ऑफ दोज पीपल एंड आई विश एंड आई प्रे दैट एवरीवन काइंड ऑफ देयर इज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एवरीवेयर अराउंड एंड पीपल आर जस्ट वेरी हैप्पी एंड मेकिंग ईच अदर स्माइल एंड मेकिंग ईच अदर लाफ एट ऑल टाइम्स. प्लेइंग अ कैरेक्टर एंड स्प्रेडिंग हैप्पीनेस की अगर बात की है तो वो तो हमने देख ही लिया. जब बच्चे एक जैसे ही आपको देखा सबके सब सच्चा सच्चा चिढ़ा रहे थे या चिल्ला रहे थे. तो बात करें अगर हम या तो वो चूचा हो या फिर अब छिछोरे में ये, तो
क्या कहना चाहेंगे इसके बारे? बहुत अच्छा, एज एन एक्टर बहुत खुशी मिलती है कि आप हर किरदार उतने एफर्ट के साथ, उतने प्यार के साथ करते हैं कि वो मतलब यादगार बन सके, लोगों को उसका प्यार मिल सके. एंड फॉर मी आई ऑल्सो पर्सनली फील दैट एज एन एक्टर सबसे बड़ी अचीवमेंट किसी भी एक्टर के लिए होती है कि उसको उसके किरदार के नाम से बुलाया जाए. तो पहले लोग चूचा के नाम से काफ़ी बुलाते थे काफ़ी साल तक, अब जब छिछोरे आई उसके बाद सेक्सा का लोगों ने बहुत प्यार दिया तो अब सेक्सा के नाम से बुलाते हैं. सो मेरा कॉन्स्टेंट एफर्ट यही है कि इस तरह के किरदारों को हम शेप अप कर सके जिससे हम लोगों को एंटरटेन कर सके, उनके वो खुशी वहाँ तक हम लेके जा सके और आगे और भी जो किरदार हैं उनके नाम जुड़ते रहे. सो एज एन एक्टर आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट एंड द बिगेस्ट विक्ट्री फॉर एनी एक्टर टू हैव, एंड आई फील रियली ब्लेस्ड दैट आई हैव दीस टू ब्यूटीफुल नेम्स अटैच्ड टू मी. आफ्टर वॉचिंग छिछोरे वी आर वेटिंग फॉर रूह अफ़ज़ा एज वेल. तो कहाँ तक बात पहुँची है? बहुत आगे तक बात पहुँच गई है उसकी. आई थिंक वी फिनिश्ड, वी रैप्ड अप विद द फिल्म, द फिल्म इज इन पोस्ट प्रोडक्शन राइट नाउ एंड इट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग फिल्म एंड आई थिंक इट्स वन फिल्म दैट वी ऑल आर वेटिंग लाइक एज अ टीम वी आर वेटिंग वो जल्दी से लोगों तक आए और जब वो देखें. एंड इंटरेस्टिंग जॉनर है, पहली बार मैं भी उसमें अटेम्प्ट कर रहा हूँ. हॉरर कॉमेडी का ये जॉनर है एंड दिनेश विजन एंड रिकदीप सिंह लांबा दोनों ने मिलकर फिल्म प्रोड्यूस करी है. हार्दिक मेहता इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और मैडॉग प्रोडक्शंस है. सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. राजकुमार राव, जानवी कपूर के साथ काम करने में बहुत ज़्यादा मजा है. आई थिंक दे आर फिनोमिनल एज एक्टर्स एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक दे आर अमेजिंग एज ह्यूमन बींग्स. सो इट्स जस्ट एन अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई थिंक गौतम मेहरा ने बहुत खूबसूरती के साथ वो फिल्म ली है. तो हंसते हंसते डराएंगे और डराते डराते हंसाएंगे. तो जिस तरह से आपके फैंस ने अभी तक चूचा और सेक्सा के किरदार को प्यार दिया है, क्या लगता है ये जो किरदार होने वाला है आपका इससे भी उतना ही प्यार मिलेगा? आई रियली होप, आई रियली विश एंड आई रियली प्रे दैट उस तरह से हो. उस किरदार का भी नाम अतरंगी ही है. आई थिंक राहुल और सुधीर मुझे नहीं मिलेगा वो करने के लिए. उसमें भी अतरंगी है नाम, बहुत इंटरेस्टिंग है. वो मैं भी बता नहीं सकता क्योंकि अभी एडिट हो रही है तो मुझे एडिट से बाहर कर देगा अगर मैंने बता दिया तो. बट जोक्स अपार्ट, बट आई रियली होप दैट उतना ही प्यार मिले और लोगों को उतना ही मजा आए. एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में इट्स स्लेटेड टू रिलीज 17th April 2020 इज द रिलीज डेट फॉर दैट. सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड वी कांट वेट फॉर पीपल टू वॉच रूही अफ़ज़ा. Besides this, any upcoming project? Just I'm very happy, yaar, with the way this year's been. I've had 3 releases this year, starting from Arjun Patiala to Khandani Shafaghana to Chhechore, and Chhechore is done so beautifully well. We've crossed 150 crore mark today, and the amount of love that the film is getting is amazing. Apart from that, there's Fukre Boys, which is an animated series of the franchise. It's starting from 12th October. That is going to be out there on Discovery Kids, and Ruhi Afza we finished, and there's something that I'm starting very soon, but वो भी उन्होंने मेरे को मना करा बताने के लिए क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो जो बातें हैं वो बात रह जाएगी, पेपर तक आने तक नौबत ही नहीं आएगी. बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच. इट फील्स ग्रेट फॉर द अमाउंट ऑफ लव दैट एवरीवन शेयरिंग एंड थैंक यू सो मच. इट्स बिकॉज ऑफ यू ऑल दैट एक्टर्स लाइक मी आर गेटिंग अ चांस टू बी देयर एंड टू डू एंड आवर स्टफ एंड टू काइंड ऑफ एंटरटेन यू गाइस. वी विल डू इट विद ऑल आवर हार्ट एंड थैंक यू एंड कीप लविंग अस. थैंक यू सो मच. हाँ, बहुत अच्छा लॉन्च हुआ भाई. हमने पूरा कॉल उन्होंने बताया किस तरह से ये ऐप है और जिस तरह से कार्ड की जो बेनिफिट्स हैं. फिर हमने एक खूबसूरत सा केक काटा जिस पे हैप्पीनेस बनी हुई थी और हमने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करा तो बहुत मज़ा आया. थैंक यू.